ब्राह्मणवाद फैलाना चाहता है। आज अगर मुसलमान निकलेंगे इस एक्ट से तो कल सिख भाई भी निकलेंगे, दलित भी निकलेंगे, सबको ही निकलेंगे, क्योंकि ये करप्शन भी बढ़ा रहा है। आप देखिए, आज जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गरीब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? जो इलिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है इंडिया में, आप इलिटरेसी रेट को नहीं ख़त्म कर रहे हैं, आप लिटरेट नहीं बना रहे हैं, आप नहीं चाहते, आप बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बेटियों को मारते हैं जामिया में घुस। हर एक घर में जब भी बच्चे सोते हैं या रोते हैं तो ये समझ में आता है बाजू वाले घर में रो रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई पार्टी वालों ने हमला तो नहीं कर दिया, कहीं लाठीचार्ज तो नहीं हो गया। आज सुनसान सड़क पर एक 7 साल के बच्चों के आँख में सीख भूखा जा रहा है, ये ऐसा तड़पा रहा है। दिल्ली में सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे के पूरे हर एक कम्युनिटी के लोगों के घर को तोड़ा गया है, अरबों का नुकसान हुआ है, लोगों को मारा गया, घरों को तोड़ा गया, मंदिर को जोड़ा गया, मस्जिद के ऊपर से मीनारों को तोड़ा गया, किताबों को फाड़ा गया, औरतों के कपड़े को छीना गया। उस वक्त में इनकी आंखें कहाँ थी? तो देश का जनता पूछ रहा है 20 मार्च को 3 बजे मौलाली क्रॉसिंग में देश का जनता सीधा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से सवाल करेगा और ये बोलेगा कि आप का रिजाइन हमें चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जाहिल जुमलेबाज सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमें हमारे खून से होली खेले। ये रैली हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलाली मजार। कितना तारीख? कितने बजे? मौलाली मजार क्रॉसिंग 3 बजे, मौलाली मजार क्रॉसिंग 3 बजे वहाँ जमा होना है। वहाँ से मल्लिक बाजार जोड़ा गिरजा होते हुए पार्क सर्कस जाना है, ये है हमारा रूट। टाइमिंग है 3 बजे का। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड आप लोग का कर रही है? नो, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात के ये जो भी NRC NPR के अगेंस्ट में जो आज हम लोग बंगाल के अंदर में जो उतरे हैं, बंगाल के अंदर में जो सबसे पहला आंदोलन जो शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है स्वाधीनता आंदोलन 2.0, सबसे पहला आंदोलन। अब उसके बाद में सारे जगह में शुरू हुआ है। अब शुरू होने के बाद में लोगों के अंदर में इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा उत्तेजित है कि लोग कहीं गलत ना कर लें। कुछ लोग सुसाइड करना चाह रहे हैं, कुछ लोग किसी के साथ गलत करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो ये गलत वाला जो चीज़ है ना, ये गलत चीज़ सरकार के आने के बाद आया। अभी आप एक बात बताइए, जो 92 में हुआ था दंगा, जो कराया था दंगा हुआ था, उसको एक्चुअली में दंगा बोलते हैं। 92 का मतलब पूरा दंगा है, 2002 गुजरात का मतलब पूरा दंगा है, लेकिन दिल्ली का जो 2020 का जो मामला है वो दंगा नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूं, वो दंगा नहीं है, उसको टेरर अटैक बोलते हैं। वो एक्चुअली टेरर अटैक है। हिंदुस्तान का सबसे पहला, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट कौन है? सबसे पहला टेररिस्ट गोडसे है, नाथूराम गोडसे। और वो नाथूराम गोडसे किससे एसोसिएट करता है? वो RSS से बिलोंग्स करता है। RSS, जब RSS से एक टेररिस्ट बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने मिल के दिल्ली में अटैक किया है। तो जिस तरह टेररिस्ट कहीं भी अटैक होता है, उसको सरकार को उसके खिलाफ आवाज़ होना चाहिए। सरकार 72 घंटा 75 घंटा छुपती सरकार कहाँ थी जिस वक्त दिल्ली के अंदर में एक बच्चे को पकड़ के जलाया गया, एक मौलाना को सजदे में रख करके उसको मारा गया, एक औरत को घर के अंदर में बंद करके मारा गया? ये सरकार क्या कर रही है? जब ये सरकार इस दंगे पे काबू नहीं कर सकती, ये सरकार जब एक कानून पे काबू नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ये सिटीजन ऑफ इंडिया की डिमांड है कि मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार को फौरन के फौरन अभी के अभी रिज़ाइन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, ये जनसभा हम लोग एक जगह जोड़ रहे हैं, ये डिमांड करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, हम लोग यहाँ से, कि सुप्रीम कोर्ट सुन लो, तुम कानून लिखने वाले हो, तुम कानून मानने वाले हो, हम लोग कानून मानने वाले हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जीने वाले हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है, हिंदुस्तान के अंदर बराबरी का दर्जा देता है। हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन देख करके हम लोग यहाँ रुके थे, क्योंकि यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में जब रुका था तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके रुका था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही देखने के बाद यहाँ का मुसलमान डिसाइड किया था कि हम लोग बाई चॉइस यहाँ रुक रहे हैं, बाई चांस नहीं रुक रहे हैं। तो जब हम लोग बाई चॉइस यहाँ रुक रहे हैं, तो हमारा जब है चॉइस करने का, तो ये भी हमारा चॉइस है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इंस्टेंट रिजाइन चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया का डिमांड है, 2 मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इस रैली में कितने लोगों का आने की संभावना है? इस रैली में पूरे सिटीजन ऑफ इंडिया का, पूरे हम लोगों का कॉल है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आएंगे। हम लोग
कम से कम इसको 10,000-20,000 के टारगेट पे लेकर के जा रहे हैं कि मिनिमम भी अगर लोग जुड़े तो 10,000 लोग जुड़े, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो कम से कम इसका एक सेक्युलर मैसेज यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है बंगाल से। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक तरफा वाला माहौल बना हुआ है, हर कोई डर रहा है, हिंदू भाई भी डर रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान भाई डर रहा है, हिंदू भाई भी डर रहा है। दिल्ली में जो आग लगा मुसलमानों के ऊपर में अटैक हुआ, लेकिन उनके हिंदू भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों का दुकान जलाया, ये कैसा हिंदुत्व है, ये कैसा हिंदुत्व है कि इनके हिंदू भाई अपने भाइयों का दुकान चला रहे हैं, अपने भाई बहन के घर में घुस जा रहे हैं और नाम दे रहे हैं मुसलमान का, ये क्या है? जो आपका रैली होगा उसका उसका सरप्रस्ट कौन होगा? इसके लीड कौन? ये रैली के लीड हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 आदमी जो यहाँ बैठे हैं। पहला नंबर नाम शाह फहद उमर कुरैशी का है, जो मैं हूँ। दूसरा नंबर नाम है शफकत रहीम का। तीसरा नंबर नाम साद अब्दुल्ला का। ये किस बैनर के तले होगा? चौथा नंबर है शाहान आजाद, पांचवा है सैयद जुबैर अहमद। इसमें असमत जमील जी बैनर है जो इंडिया का फ्लैग है बस। अच्छा, इसमें क्या एक ही मजहब के लोग रहेंगे कि सभी धर्म के लोग? सेक्युलर ने बोला है सिटीजन जब आता है तो सिटीजंस तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड एंड रिलीजन सिटीजन सब होते, जो इंडियंस है वो रहेंगे। कौन कौन उसके अलावा कोई बड़ा नाम जो वहाँ पर? कोई बड़ा नाम करके ऐसा सच कुछ नहीं है, बस कॉमन पीपल। हम लोग पाक सर्कस से जुड़ने के पहले कोई सब रहेंगे। बगैर वायलेंस का कोई इसमें कोई एहतजाज में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ऊंचा आवाज नहीं है, नॉर्मल निकलना है। स्लोगन के साथ मौलाली में जमा होंगे हम लोग 2 से 3 के दरमियान, उसके बाद वहाँ से लेकर के मल्लिक बाजार होते हुए पार्क सर्कस मैदान हम लोग आएंगे। परमिशन मिल चुका है आपको? परमिशन हाँ मिल चुका है, इंटीमेशन हम लोग दे चुके हैं। इंटीमेशन हम लोग दे चुके हैं। देखिए ये हम आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, प्रीएम्बल में लिखा है प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में है। हमें रोक नहीं सकते, सरकार भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि मैं तिरंगा लेकर के निकल रहा हूँ, मैं इस देश को बचाने के लिए निकल रहा हूँ। जिस तरीके से आदमी देश बचाते हैं उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हम लोग देश बचा रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो फंडिंग वाली बात है, जो फंडिंग वाली बात है, देखिए ये जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये जो पानी का बॉटल है ना, ये पानी का बॉटल आम जनता लाता है, ये मेहनत की कमाई के है, तो ये हम लोग अपने पॉकेट से। और ये स्वाधीनता आंदोलन हो या पूरे कलकत्ते में जितना भी आंदोलन चल रहा है ना, ये कोई सरकार फंड नहीं दे रही है, ये वो सरकार से जा कर के पूछे जो 9 लाख करोड़ रुपया जो दिए ना ये चोर कंपनियों को जो 9 लाख करोड़ दिए, उसका क्या हुआ? वो सवाल कहाँ है? वो पैसा कहाँ है? वो पैसा तो जनता का पैसा है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानी का पैसा है, वो पैसा कहाँ है? तो ये सारे सवाल हैं, ये सवाल अंदर से निकल रहा है, खाली हमारे नहीं निकल रहा है, ये पूरे 125 देश का निकल रहा है, ये पूरे देश का पैसा है। तो इसका हिसाब कौन मांगेगा? ये देश का जनता मांगेगा, देश का जनता पूछेगा, तो देश का जनता पूछ रहा है 20 मार्च को 3 बजे मौलाली क्रॉसिंग में देश का जनता सीधा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से सवाल करेगा और ये बोलेगा कि आप का रिज़ाइन हमें चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जाहिल जुमलेबाज सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमें हमारे खून से होली खेले। अरे सरफरोशी की तमन्ना हमारे अंदर है, तो जब सरफरोशी की तमन्ना हमारे अंदर है तो हम लोग भी ये कहते हैं कि खून से खेलेंगे होली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। और हम लोग हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देंगे, जैसे हिटलर ने किया था, करोड़ों ज्यूज को मारा था, अब मोदी सीए को ला के लीगलाइज्ड कर रहा है वो मैसेकर को, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। बिल्कुल होने नहीं देंगे। और इसी के वजह से ये रैली निकल रहा है कि ये जो कर रहा है, कम्युनल एक्ट एक बनाया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर को, सबको टारगेट करके बनाया है, औरतों को टारगेट करके बनाया है, और फिर ये ब्राह्मणवाद फैलाना चाहता है। आज अगर मुसलमान निकलेंगे इस एक्ट से तो कल सिख भाई भी निकलेंगे, दलित भी निकलेंगे, सबको ही निकलेंगे, क्योंकि ये करप्शन भी बढ़ा रहा है। आप देखिए आज जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गरीब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? जो इलिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है इंडिया में, आप इलिटरेसी रेट को नहीं ख़त्म कर रहे हैं, आप लिटरेट नहीं बना रहे हैं, आप नहीं चाहते, आप बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बेटियों को मारते हैं जामिया में घुस के,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी रैलियां हो रही हैं, तब भी वो लोग एक इंच पीछे नहीं हट रहे हैं, तो आपकी रैली से क्या उनको प्रभाव पड़ेगा? हम लोग बोलिए बोलिए कुछ बोलना है। आपने अभी जैसे बोला कि वो बोलें एक इंच पीछे नहीं हटे, उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि जिस अमित शाह ने बोला था खड़ा होकर कि मैं एक इंच अब पीछे नहीं हटूंगा, वो इंसान अब ये बोल रहा है कि अब हम डी नहीं लगाएंगे, तो वो कितना पीछे जा चुका ये सोचिए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में एक वायरस फैल रहा है, उसका एक पैंडेमिक है, और गवर्नमेंट का भी सर्कुलर है टू अवॉइड लार्ज गैदरिंग। जितने भी बड़े इवेंट्स हैं कैंसिल हो रहे हैं, और आप लोग इतने बड़े गैदरिंग करने जा रहे हैं, क्या ये उचित होगा? इस इसका आंसर मेरे पास है फिलहाल। हम लोग जो अभी ये रैली करने जा रहे हैं, आपका सवाल सही है, उसको हम लोग ऑलरेडी दिमाग में हम लोग सोचे थे। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें मैक्स टू मैक्स इसका प्रोटेक्शन यूज़ करें, जैसे मास्क वगैरह हुआ, सैनिटाइजर हो, आप लोग वहाँ से प्रोवाइड करेंगे मैक्स टू मैक्स। और जो लोग आएंगे दूर से उनके लिए कुछ मशवरा वो लोग लगा एक, क्या? एक बात ये है कि सैनिटाइजर जो है वो एंटीबैक्टीरिया है, एंटीवायरस नहीं है। ये भी है, इसको पहले समझ के चलना है पूरे हिंदुस्तान को, कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो मोबाइल के हेल्पलाइन में लगा चुकी है, उसमें जो सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए कह रही है, तो पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि वह एंटीबैक्टीरिया है, एंटीवायरस नहीं है। इस वक्त में पूरे आम जनता से मेरा ये मैसेज है, जब आपने सवाल किया तो ये मैसेज में जवाब दे रहा हूँ मैं उनको, कि आप कोशिश करें 2 घंटा रोज़ाना धूप में रहने का। वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो है धूप की जगहों में जिस बॉडी में गर्मी रहेगी उस पर कुछ असर नहीं करेगी। इसीलिए हमारा जो ये रैली का टाइम है वो दोपहर का ही टाइम है, हमने शाम में नहीं रखा कि धूप के वक्त में हो, पहली बात। दूसरी बात, हम ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ये मैसेज देना भी चाहते हैं, और सारे जितने भी आप कहे JKB न्यूज़, DK न्यूज़, टैग इंडिया, हालत बंगाल, तो इनके ज़रिए हम ये भी मैसेज देते हैं कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, और हाथों को धोया जाए, पैर को साफ रखा जाए, बॉयल करके पानी को पिया जाए, फ्रीज का पानी को, चिल्ड पानी को इस्तेमाल ना किया जाए, और जितना कोशिश करें खाना को बनाने के बाद फ़ौरन खाया जाए, और उसको ज़्यादा देर रखा ना जाए। और एक बात इसमें यह ऐड है कि उस दिन रैली में इसका कोरोना वायरस का क्या ताल्लुक, कोरोना वायरस से बड़ा वायरस इस वक्त में जो हमारे सर पर बैठा है वो CNRC NPR बैठा है, और उस पर सबसे बड़ा जालिम बादशाह मोदी और अमित शाह बैठा हुआ है। तो मेरा कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, वो मर जाएंगे, पर यहाँ पर 6 साल से लोग तड़प रहे हैं हिंदुस्तान में रह करके, ये ऐसा वायरस है, तो उस तड़प में से बेहतर है कि मुझे कोरोना वायरस हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोरोना वायरस होना मुझे पसंद है, पर ये 6 साल का तड़प करके जो पूरे हिंदुस्तान का आवाम इस वक्त में तड़प के मर रहा है, पर डे हर एक घर में जब भी बच्चे सोते हैं या रोते हैं तो ये समझ में आता है बाजू वाले घर में रो रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई पार्टी वालों ने हमला तो नहीं कर दिया, कहीं लाठीचार्ज तो नहीं हो गया। आज सुनसान सड़क पर एक 7 साल के बच्चों के आँख में सीख भूखा जा रहा है, ये ऐसा तड़पा रहा है। दिल्ली में सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे के पूरे हर एक कम्युनिटी के लोगों के घर को तोड़ा गया है, अरबों का नुकसान हुआ है। इस वक्त में हिंदुस्तान की जो मेन गवर्नमेंट है, जो BJP और RSS का नाम बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ कि BJP की आइडियोलॉजी RSS से मिलता जुलता है, इसके लिए कह रहा हूँ, तो BJP ने इन लोगों के लिए क्या किया है? आपने अब तक वो नहीं किया जो इंसानी के हक में था। आप पार्टी को दरकिनार रखे, आप अपनी आइडियोलॉजी को दरकिनार रखें, सबसे पहले इंसानी वाला सोच को लाए, एक इंसान का जुमले के बुनियाद पर उसके एक रोज़ के बाद दिल्ली में जिस सरराज ने बताया और उमर भाई ने बताया, एक दिन के बाद लोगों को मारा गया, घरों को तोड़ा गया, मंदिर को जोड़ा गया, मस्जिद के ऊपर से मीनारों को तोड़ा गया, किताबों को फाड़ा गया, औरतों के कपड़े को छीना गया। उस वक्त में इनकी आँखें कहाँ थी, उस वक्त वो क्या कर रहे थे? मेरा आवाम से ये सवाल है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के आवाम से आपको चैनल के ज़रिए सवाल है, क्या तुम्हें उस वक्त तकलीफ़ नहीं होता जब हिंदुस्तान के नागरिक को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो हिंदुस्तानी है? क्या तुम्हारे दिल में तकलीफ़ नहीं पहुंचती? क्या जब बच्चों को मारा जाता तुम्हें ये बात का तकलीफ़ नहीं पहुंचता कि कल मेरे बच्चे का बारी है? जब माओं का कपड़े को छीना जाता है 6 डिग्री ठंडे में, जिस वक्त में ठंडा पानी बरसाया जाता है औरतों के ऊपर में, क्या उस वक्त में तकलीफ़ नहीं होता है? अगर तकलीफ़ होता है तो वो आवाम जो अब सो रही है
वो क्यों नहीं उठती है, और अगर वो उठ रही है, उठना चाहती है, तो सबसे अच्छा उनके पास रास्ता है 20 तारीख का 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो रैली है मौलाली टू पार्क सर्कस, उसमें आके आप ज्वाइन हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जितना हमारा गैदर होगा, एक और बात सिर्फ ये इसमें इस सवाल में, उस दिन का मौलाली टू पार्क सर्कस जो हमारे कदमे चल करके आएंगे, जो कदम हम चलेंगे, उसमें जो उसमें से जो धूला निकलेगा ज़मीन से ना, वो इस वक्त में कोरोना वायरस को मारने वाला धूला है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी का धूला होगा। एक्चुअली एक लाइन है कि जान ले ली जाती जिसने सच का साथ दिया, पढ़ा इतिहास तो मैंने एतबार किया। जान ले ली जाती मैंने जिसने सच का साथ दिया, पढ़ा इतिहास मैंने एतबार किया। बोस नेहरू अशफाक कोई न बचा, इंसान तो छोड़ इन्होंने गांधी को भी मार दिया। बंद करो नौटंकी खुद को धार्मिक बताने की, साधु का चोला आदत जिस्मों को खाने की, पहना सर से पाँव तक झूठ का लिबास और बातें करते हो अच्छे दिन को लाने की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।